ली मारे आ तो लोग बाग चश्मा वाले हो गए भैया। बिल्कुल, तो मैंने तो आपको आइडिया दिया पर आप तो ना खड़े एक आध दिन और में क्या वही टाल। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आई हुई हूँ टेलर के पास। टेलर के पास क्या सिलवाया था वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ स्टार्ट करूँगी। और आज मैं अदिति के स्कूल आई थी, उसकी ड्रेस भी लेनी थी, अदिति को भी ड्रॉप करना था यहाँ से, तो अदिति को लेके जाऊंगी साथ के साथ, उसकी ड्रेस लेके जाऊंगी डाली हुई थी, क्योंकि पिछले साल की है वो जो पहनती है वो, तो वो छोटी हो गई थोड़ी सी, तो अभी मैं वापस जा रही हूँ। उसने बोला है कि मैं प्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वापस आके लेके जाना। अच्छी बात है, ये तो आप इंटेलिजेंट हो ना। पर बहुत अच्छी बात है, ये तो आप भैंस का गोबर लेके आए हो। क्यों भाई, भैंस का गोबर क्यों चाहिए आपको भाई? आप खा रहे थे। हैं? मैंने कब खाया भैंस का गोबर? आप तो खा रहे थे। आप झूठी नहीं बोलो, मैंने नहीं खाया भैंस का गोबर, गधे। और आज मैं स्कूल में ये बनी मॉनिटर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, नन्नू मीना ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। ये नन्नू मुझे परेशान कर रही है। नन्नू मुझे बहुत परेशान करती है ये गधी। और मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि दीदी लड़की नन्नू है या लड़का है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि नन्नू दीदी लड़की है। नन्नू लड़का है। नन्नू लड़का है कि लड़की है? दिखाओ इधर। आप लड़का हो कि लड़की हो? मैं लड़का हूँ। आपकी नेल पेंट दिखाओ मम्मा चाची। छेम छेम, वाह, मैंने और नन्नू ने छेम छेम नेल पेंट लगाई। क्या लगाई? मेरी खराब हो गई। बताओ आपने क्या लगाया है? हेल पेंट। क्या लगाया है? हेल पेंट। ये हेल पेंट लगाई है? किसकी सुंदर है, नन्नू की या मम्मा की? मम्मा की सुंदर है। नहीं, नन्नू की भी सुंदर है यार। नहीं, मेरी सुंदर नहीं। नहीं, नन्नू की सुंदर है, देखो मेरे काले। और आज हम लोग बनाने वाले हैं चिप्स, आलू की चिप्स बनाने वाले हैं। आंटी को बुलाऊंगी, आंटी के साथ ही हम लोग बनाएंगे। अदिति स्कूल से आई है और वो देख रही है टीवी, और इसको स्कूल में बना दिया है मॉनिटर, इसलिए अदिति हो रही है बहुत ज्यादा खुश, हैप्पी। और अगर आज दिन में, क्योंकि आज मॉनिटर होने तो अपने पैसों से आज मैं किसी को भेजा। अच्छा, नहीं, नन्नू की पिटाई हो गई? नन्नू की पिटाई हो गई थी? क्यों हुई नन्नू की पिटाई? क्यों हुई? और अदिति और नन्नू में हो गई है लड़ाई। नन्नू ने मेरे लात मारे, नन्नू ने मेरे नन्नू की पिटाई मारी। अब नहीं मारो उसके। और हाथ में हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द, क्योंकि हाथ में पता नहीं किसने खा लिया बहुत ज्यादा। हम चिप्स बनाएंगे, आंटी को बुलाते हैं। नहीं दर्शन, तो यहाँ पे पता नहीं कैसे अचानक से मेरी जो सूट की जो आस्तीन है इसके अंदर पता नहीं कुछ कीड़ा घुस गया था, और उसने एकदम से ऐसे खाया कि मेरे पूरे हाथ में इतनी भयंकर जलन हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पूरा हाथ जो है वो सुन्न हो रहा है। तो सबसे पहले चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आंटी आ चुकी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए थे 1.5 किलो आलू, और 1.5 किलो आलू में से पूरा कचरा जो था ऊपर का जो छिलका होता है उसका वो निकाल लेना है आपको, और निकालने के बाद में उसको पानी के अंदर डाल देना ताकि वो काला ना पड़े। और आलू आपको बड़े बड़े लेने हैं, छोटे वाले नहीं लेने हैं बिल्कुल भी। और पानी में डाल दोगे तो आपके चिप्स बिल्कुल वाइट वाइट बनते हैं। नमक भी लेके आऊं? तो यहाँ पे सबसे पहले लेना है आपको नमक, कम से कम 1 चम्मच नमक लेना है। और उसको लेने के बाद में आपको उसको जो आलू की जो चिप्स बना रहे हो, मतलब उसको करके रख रहे हो, उसके अंदर डाल देना है पानी के अंदर, और फिर उसके साथ में डालते जाना, काली नहीं पड़ेंगी बिल्कुल भी। और इससे बहुत ही अच्छी बनती है आपकी चिप्स जो होती है। बड़ा वाला आलू ज़्यादा अच्छा चलता है ना, इसमें बड़ा ही चाहिए। हाँ, यहाँ पे 2 चुटकी, मैं पहले गर्म पानी कर लिया, उसके बाद 2 चुटकी इसमें डाला है बेकिंग सोडा, और उसके बाद डालेंगे नमक। बन रहे हैं बेटा, अभी खा बन गया, अभी तो ये उसमें होंगे पानी में। ये
तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने घी के 3-4 जो ड्रॉप थी वो डाल दिए, उससे क्या चिपकेंगे नहीं आपकी चिप्स, आलू की चिप्स बहुत जल्दी चिपकने लग जाती है। पानी बिल्कुल बॉयल होना चाहिए, तो मैं एक डाल के ट्राई कर रही हूँ कि नीचे चिपकेगा तो नहीं। लग गया आंटी आना, धीरे आपके हाथ नहीं जल जाए। अभी फिर कितने देर के लिए रखना? 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट पकने के, थोड़ा पकाओ ना। हाँ, पहले जब आलू की चिप्स डाली थी उस टाइम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं थी, पर अभी देख सकते हो आप बिल्कुल बहुत ही पतली हो चुकी है बॉईल होने के बाद में। अभी इसको अलग अलग निकालेंगे और जल्दी जल्दी इसको अलग अलग कर देंगे। तो मैं लेके जा रही हूँ ठंडा पानी, क्योंकि जो चुन्नी हमने डाली थी बाहर वो सूख चुकी है पूरी की पूरी, तो उस पर थोड़ा सा और गर्म पानी डालना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल पानी डालना है, गर्म नहीं, ताकि वो उसके अंदर चिपके ना। चलते हैं जल्दी से, आंटी डाल रही है बाहर तब तक चुन्नी के ऊपर, अगर टाइम लगाएंगे तो पूरा चिपक जाता है, तो फटाफट फटाफट। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे जो है आलू की चिप्स हमने पूरी छान ली थी, पानी उसका अलग कर दिया था, और उसके बाद में हम इसको एक एक करके धूप में, पहले हमने गीली चुन्नी डाल दी थी भिगो के पूरा, और उसको ज़मीन पे बिछा दिया था और उसके चारों कोने दबा दिए थे। उसके बाद एक एक करके सारी जितनी भी चिप्स थी वो सारी की सारी इसके एक एक करके अलग अलग करके आपको रख देनी है, और आपको बीच बीच में चेक करते रहना है, और 3-4 घंटे 3 घंटे के बाद इसको पलटना है, उल्टा सीधा करना है ताकि ये जल्दी से सूख जाए, और ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल सूखे हुए ही ये डब्बे में रखने हैं। तो उससे पहले मैं ये काम करना चाह रही थी कि जो मेरा ये नाक का जो है ये पहले मैंने ये वाला डाल के रखा था, पर अभी मैं घर से 3 और लेके आई हूँ, जो कि मेरी मम्मी मतलब मेरी सास दिलवा के लेके आई थी, मुझे दिए थे मेरे भाई ने 2,500 रुपये कपड़ों के लिए जब मैं घर गई थी उस टाइम पे, तो मैंने वो खर्च नहीं किए, और मैंने सोचा कि मेरे पास ये 2 थे, एक मेरा गुम गया और 2 और है पर वो मैं पहनती नहीं हूँ नाक में, तो मैंने सोचा मैं अब की बार थोड़ा अलग लुक लाने के लिए नाक के कांटे जो है वो लेके चलती हूँ, तो मैं नाक के कांटे लेके आई थी, तो 3 लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को, और एक मुझे डालना भी है आज, तो इसके अंदर हैं तीनों की तीनों, दिखा देती हूँ एक बार। और अभी हो रहा है पूरा का पूरा शाम का टाइम, और अभी भी फेस वगैरह वॉश किया है, दोपहर में छत पे बनाए थे हमने चिप्स वगैरह, तो वो आलू की चिप्स बनके अभी सूखने के लिए डाली है, पूरे दिन ध्यान रखना पड़ा था, आज बिल्कुल सोए भी नहीं है क्योंकि कौवे वगैरह। तो ये है तीनों के तीनों कांटे जो कि मुझे बहुत पसंद आए, इसमें हमारे यहाँ पे कांटा ही बोलते हैं इसको नाक में पहनने वाले को, तीनों की डिजाइन बहुत प्यारी है। ये है तीनों के तीनों, आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे जरूर बताना कॉमेंट करके तीनों में से, ठीक है। ये पड़े थे मेरे को 2100 रुपये के 3, मैं और मेरी सास गए थे लेने के लिए, जिस दिन मैंने अपना मंगलसूत्र चेंज करने की सोची थी उसी दिन हम इसको लेके गए थे, तो एक तो है ये वाला, एक है ये वाला, ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा, और एक है ये वाला, मैं पहनने वाली हूँ अभी, तो पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। और अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है घूमने के लिए, क्योंकि सबकी ऑफ थी आज की, जिस दिन जिस जिस की छुट्टी होती है हम सब लोग कॉल करके एक दूसरे पता करते हैं फिर जाते हैं घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा सब व्यू था, नई जगह पे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। ये घूमने थोड़ी जा रहे हैं कोई, नन्नू आप भैया सामने हो रही हो आगे ले, अरे बेरी आगे कर ले भैया, पके ये लटक रही कर ले, ये रही दो देख बटू, हाँ ये पूरी हो, यहाँ पे काजू की चोरी होते हुए और कोई को पता लग गए जा, बम धर लो थैली में ये, अरे भैया ये लटक रहे बहुत सारे मोटे मोटे भैया, डंडा दे दो ये पके पके। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बीच पे, ये बीच पे हम पहले कभी नहीं आए, पर ये वाला बीच मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जहाँ पे जाके बैठे थे वहाँ पे, पर वैसे घूम के गए टाइम ज्यादा लगा था अच्छा। खड़े हो मुझे मजाक आ रहा था, कौन सा गाड़ता है
देखो भर गया वो भैया खाली कर रहा है जन्म नहीं कूदे पते ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती है, बहुत मजे आ रहे हैं हम लोगों को। नन्नू को मिट्टी कर दिया। ये लड़की पागल है पागल है पागल है ले। रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा था, और दूसरी बात थी कि इसमें कैंडल्स वगैरह जले हुए थे, झूले थे, बहुत तरीके के झूले थे, बहुत ही अच्छे से आप चेयर्स पर बैठ के भी खा सकते हो, आप बैम्बो चेयर्स पर भी बैठ के खा सकते हो, आप नीचे बैठ के भी खा सकते हो, आप ऊपर जो है छान टाइप में होते हैं ना उस पर भी बैठ के खा सकते हो। बैम्बो वाली छत होती है, उसके नीचे बहुत सारे गद्दे बिछाए होते हैं राजा महाराजाओं की तरह, तो वैसे भी खाना यहाँ पर खा सकते हो। बट बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रखा था। कभी दिन में जाएंगे तो पक्का से आएंगे। आपसे ज़्यादा अच्छा होगा। और हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे पिज़्ज़ा जो कि बहुत बहुत टेस्टी है, और हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, दोबारा आएंगे तो पक्का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जगह बहुत अच्छी है। तो हम लोग इधर साइड से होकर निकल के जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा घूम के चलते हैं। पकड़ अच्छे से, पकड़ के चलो धीरे धीरे चलो। ऐसे ही बुलानी चाहिए। अच्छा वैसे बैठ रहे हो क्या? एक आया चाहिए बाकी बेल। वाह यार अदिति, नहीं नन्नू पकड़ लो, मैं तुम्हारे पीछे से फोटो खींचो। रुको बहुत अच्छा आ रहा है बेटू। वाह नन्नू अच्छे से खड़ी हो। आप नहीं आएगा बेटा, पापा से ले लो। इधर आओ, इधर नहीं लो, इधर नहीं आया वो। सही नहीं आ रहा है। यहीं यहीं बैठ जाओ। चलो रात का टाइम था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई आपको, पर इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल था कि मैं दोबारा ज़रूर 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 जाऊंगी। मुझे बहुत पसंद आया, चारों तरफ पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें थी। दिन में होता तो पक्का दिखाती। मूसली मिक्स दही में वो मिक्स होके आएंगे सारे, उसमें चाट मसाला रहता है। बाय नानू अदिति। एक बड़ा आया भैया, मेरी पानी बोतल पेंगड़ा से ऊपर पेंगड़ा दे। ये गलत बात है, मैं ऐसे नहीं मानता, ऐसे धीरे-धीरे बनता है। हम तो ऐसे ही मान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मतलब वो ही है भाई, आप तो चाय कच्ची मंगा लो, फीलिंग तो आ गई। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है, नहीं पकड़ पहले कुप्पी के जाओ। क्या बनी है भाई कच्चे मेरे हिसाब से? मामा हो गया मेरा।